तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक प्लस वन साइंस के लिए यूनिट है नया। यूनिट का नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अच्छा जी, मैटर क्या है? कोई ऐसी चीज या कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें मटेरियल हो तो वो मैटर कहलाएगा उसका। ओके, उसके अंदर मैटर क्या है? तो मैटर हो सकता है सॉलिड में हो, लिक्विड में हो और गैसेस में हो। ओके, अब प्रॉपर्टीज पढ़नी है। बल्क मीन्स ज्यादा लेवल में, बड़े लेवल पे। ज्यादा लेवल पर हमारे पास मैटर है, मीन्स कोई बॉडी जिसकी बात होगी बच्चों, वो बॉडी कोई छोटी सी नहीं होगी। जैसे पहले चार यूनिट तक हमने पढ़ा बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट, पांचवें यूनिट में हमने पढ़ा था कोई रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, उसमें पढ़ा था बॉडी जो है रिजिड है। बट रियलिटी में हर एक बॉडी जो हमें सख्त नजर आए बच्चों, वो रिजिड ही नहीं होती। रिजिड मतलब है कि जिसकी डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आएगी। बट जब हम कोई भी बच्चों फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो उसकी जो शेप है, जब उसका जो वॉल्यूम है, जब उसकी जो लेंथ है, उसमें चेंजेस आती ही आती हैं। ओके, तो बात समझ में रखो, बड़े लेवल की कोई बॉडी है उसकी प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे किससे? सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों टाइप्स की क्या है हमारे पास? बल्क मटेरियल होगा। तो सॉलिड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। सॉलिड के अंदर अब सॉलिड की शेप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि सॉलिड जो है वो चेंजेस उसमें आती है या नहीं। कोई भी सॉलिड होगा हमारे पास, तो सॉलिड से करेंगे स्टार्ट। सॉलिड पे अब चेंजेस कैसे आएंगी? अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है बच्चों, उसके ऊपर पांचवें यूनिट में बोला था कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी जो है वो रिजिड होने के कारण उसकी शेप में चेंजेस नहीं आएंगी। बट रियलिटी में चेंजेस आती हैं। उस वक्त हमने बोला था कि फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो बॉडी को चेंज कर देगा उसकी पोजिशन से। ओके, अगर बॉडी कहीं पर भी फिटेड है तब भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगी उसकी शेप साइज में। बट ऐसे नहीं है, वो वाले केस में फोर्स टोटली क्या करता था, उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करवाता था। बट रियलिटी में अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो तो वो बच्चों वो उसकी पोजीशन तो चेंज करवाएगा ही करवाएगा। बट डिपेंड है कि फोर्स कितने लेवल का लग रहा है, वो फोर्स क्या करेगा, उसकी शेप, उसकी वॉल्यूम, उसकी लेंथ में भी चेंजेस लाएगा। तो अब वो चेंजेस कैसे आती हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस केसेस के अंदर और कौन कौन सी नई नई टर्म्स है जो आप पढ़ोगे, वो हम आज पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो टॉपिक का नेम है बच्चों सॉलिड। सॉलिड के अंदर हम पढ़ेंगे आज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नए वर्ड है दोनों ही, बट स्ट्रेस को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चों स्ट्रेस क्या होता है। पढ़ते हो अभी आप, अच्छा पढ़ोगे अभी तो वेल गुड, नहीं पढ़ोगे तो जब एग्जाम्स लास्ट पर पहुंच जाएंगे, मींस जब आपके फाइनल मंथ्स आ चुके हैं पास एग्जाम के, एट दैट टाइम यहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो स्ट्रेस एट दैट टाइम यहां पर पड़ रहा है बच्चों, वो क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने लगाया है? नहीं, अभी माइंड के अंदर बहुत सारी थिंग्स चलेंगी एट दैट टाइम। तो ये जो आपका ब्रेन है ना बच्चों, इसका जो एरिया है ना, इसके ऊपर अंदर से फोर्स लगना शुरू करेगा जो कि इस बाहर वाली टेंशन को खत्म करना चाहेगा। तो वो बच्चों क्या होगा? स्ट्रेस होगा। ओके, डीफॉर्मिंग फोर्स एक नया वर्ड है आपके लिए, उससे हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेस तक पहुंचेंगे, स्ट्रेन तक पहुंचेंगे, आज का लेक्चर करेंगे ओवर। तो सबसे बच्चों पहले सॉलिड कि शेप को चेंज करना है तो दो तीन थिंग्स हैं जो इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे बच्चों। वो क्या है? सबसे पहला वर्ड है एक बच्चों इलास्टिक, फिर एक वर्ड है इलास्टिसिटी, फिर एक वर्ड है हमारे पास डीफॉर्मिंग फोर्स, उसके बाद भी एक नया वर्ड है रीस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद एक और वर्ड है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इससे एक और निकल आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक
बॉडी। तो देखो जी गिन के कितने वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए निकल कर आए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इलास्टिक से। देखो कोई भी रिजिड बॉडी होगी हमारे पास, मींस जैसे अब ये सॉलिड बॉडी है कोई भी है, तो बच्चों इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी एक लिमिट है। अब देखो सॉलिड वर्ड बोल दिया गया तो आप समझोगे कि सर सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स उसकी शेप को चेंज करेगा ही, वापस उसको उसी पोजीशन पर कैसे लेकर आएगा। बट केसेस है हमारे पास स्प्रिंग वाले, स्प्रिंग भी किससे बना है, सॉलिड से बना है, ओके। और हर एक सॉलिड बॉडी के ऊपर बच्चों हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक लिमिट है कहां तक वो इलास्टिक हो सकता है। इलास्टिक होने का मतलब जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स बच्चों अगर बहुत कम होगा तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही होगा कि इस इलास्टिक लिमिट तक अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो जब वो फोर्स को हम हटा देंगे तो वो फोर्स, वो जो बॉडी है, वापस फिर से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, उसी शेप को फिर से धारण कर लेगी। तो वो एक उसकी इलास्टिक लिमिट है। जहां तक जैसे अब ये है, मान लो एक ये वायर है या एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर बच्चों मैंने फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे यहां से यहां तक पहुंच गया, जब ये फोर्स को हटा दिया तो ये वापस वहां पर बॉडी अपनी शेप तक प्रॉपरली फिर से वापस पहुंच गई। तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। जब इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया कि इतना लंबा कर दिया, अब मैंने फोर्स हटाया तो ये बॉडी वापस अपनी उसी पोजीशन पर नहीं आएगी, यहां से हटकर यहां तक पहुंच जाएगी, ओके। तो फिर से रीगेनिंग नहीं हुई। अब रीगेनिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि इलास्टिक लिमिट जो है इस स्प्रिंग की, उससे ज्यादा लेवल का हमने फोर्स लगा दिया था। क्लियर, इलास्टिक वर्ड समझ में आ गया। इलास्टिक का मतलब होता है बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो वापस अपने उसी पोजीशन पर आ जाए, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक। अब ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, ओके। इलास्टिसिटी क्या होगा, अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल कैसा है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की इलास्टिसिटी कितनी है, ओके। अब जितनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी, मींस कितने लेवल तक का वो इलास्टिक हो सकता है। अब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हो जाएंगे बच्चों, अगर आप एक मटेरियल लोगे जो कि रबर हो और एक मटेरियल लोगे जो कि स्टील हो, ओके। अब रबर के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, वो भी सॉलिड है, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसकी इलास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है, यहां तक चला जाए, छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पर आएगा। स्प्रिंग के ऊपर लगाओगे या कोई और बॉडी जैसे स्टील का ही कोई मटेरियल हो हमारे ऊपर, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो इतनी ज्यादा लंबी रेंज तक का हमारे पास इलास्टिसिटी नहीं देगा, ओके। तो बात समझ में रखो कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि वो रेंज, अब वो बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है उसके ऊपर डिपेंड है उसकी इलास्टिसिटी। उसके बाद वर्ड है डीफॉर्मिंग फोर्स। अब डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो कि अप्लाई की जाए ताकि कोई बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल शेप से उसके ऊपर अब हम फोर्स लगाएंगे जो कि उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगी। ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये अपनी शेप चेंज करवाएगा। तो वो बॉडी, वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी की शेप, वॉल्यूम या उसका साइज या लेंथ, कोई भी चीज को चेंज करे बच्चों, वो फोर्स होता है डीफॉर्मिंग। क्लियर, डीफॉर्मिंग फोर्स जो कि बॉडी की शेप को डीफॉर्म करता है, नई शेप देने की कोशिश करता है। रीस्टोरिंग मींस क्या होगा, अब मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो वो बॉडी अपने आप को फिर रीस्टोर करेगी, अंदर से एक फोर्स लगाएगी इस डीफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट। जब इसको मैंने हटा दिया तो जिस साइड को यह हटाया जा रहा है उस साइड को फोर्स लगेगा, फिर इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ये शेप चेंज होगी, छोड़ूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स इससे वापस आएगी, ये जो इसकी जो साइड होगी जो अंदर गई है वो बाहर आने की कोशिश करेगी। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स भी इलास्टिक लिमिट के अंदर तक का होगा। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर तक का मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, ये फोर्स मैंने लगाया, अब ये स्प्रिंग मैक्सिमम इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग मैक्सिमम यहां तक अगर चले जाएगा, मीन्स ये जो बॉक्स है ये अब यहां तक जाएगा, तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट है कि इस लिमिट तक ये नीचे जा सकता है। अब अगर मैंने फोर्स इतना लगा दिया कि ये यहां से यहां तक चला गया तो ये इलास्टिक लिमिट से बाहर है।
अगर यहां तक का मैं फोर्स लगाऊंगा और बाद में यहां से इस फोर्स को मैं हटा दूंगा, इसके ऊपर जो फोर्स हमारे यहां पर जो मैंने वेट बॉक्स रखा है उसको मैं हटा दूंगा, तो ये बॉडी वापस यहां पर चली गई, तो ये रीस्टोरिंग हो गई क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर थी। अब अगर इलास्टिक लिमिट जो कि ये है, इससे अगर ज्यादा मैंने फोर्स लगा दिया तो बच्चों यहां तक चली जाएगी बॉडी। यहां से अगर मैं फोर्स ये जो इसके ऊपर वेट था इसको हटाऊंगा तो ये बॉडी वापस इसी पोजीशन पर नहीं आएगी, यहां से कहीं यहां तक रह जाएगी। तो इसका मतलब इतनी शेप उसमें क्या आ गई, चेंजेस आ गई, वापस उसने रीगेन नहीं की अपनी वही शेप साइज। तो वो है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि वापस उसी बॉडी को रीगेन करवाने की कोशिश करता है। अब है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती है बच्चों जो के जिसके ऊपर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया है, जब उसको हटा दिया तो वो बॉडी वापस से अपनी उसी शेप को ले चुकी है। स्प्रिंग की शेप है ना, ये वापस उसी शेप को उसने ले लिया है एट वंस, उसी वक्त वो अपनी उसी शेप में वापस चली गई। तो वो है परफेक्ट अच्छी वाली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो प्लास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या है, जिसके ऊपर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो बॉडी जो है वो अपने उसी शेप में नहीं गए। तो ये इसका मतलब क्या कि स्प्रिंग टाइप बॉडी नहीं होगी, जिसके ऊपर जब मैंने फोर्स लगाया तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो जैसे अब इसी के ऊपर मैं फोर्स लगाया तो ये बॉडी शेप चेंज हो गई, बाद में रीस्टोरिंग हुई ही नहीं, वो वैसे ही रह गई। तो वो होती है बच्चों परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बात समझ में आ गई, इन इलास्टिक प्लास्टिक सेम है और इलास्टिक डिफरेंट वर्ड है। रीस्टोरिंग डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी प्लास्टिक सभी थिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन अगर क्लियर है तो इससे बाद हम नेक्स्ट चीज शुरू करेंगे जो कि है स्ट्रेस और स्ट्रेन को बताएगी। तो मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसी पॉइंट्स का, जो मैंने डेफिनेशन अभी इसमें बोली है बच्चों उसको आप आराम से लिखो कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए बोल रहा हूं। ओके, तो बच्चों वर्ड स्टार्ट करेंगे आप, रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स आपको क्लियर है, उसी को लेकर चलेंगे कि अब आएगा क्या। सबसे पहले वर्ड है बच्चों स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है, एक साइड में स्ट्रेस लेकर चलूंगा, उसी स्ट्रेस से हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेन। मे बी आप स्ट्रेस आपको क्लियर है, आपने एक दो बार इसको पढ़ा है स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन आपके लिए नया वर्ड है, तो दोनों को समझेंगे कि दोनों क्या है। स्ट्रेस क्या है, देखो स्ट्रेस सिंपली क्या है, प्रेशर है। ओके, मींस फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। अब वो फोर्स कैसा है वो देखना जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि यहां पर ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये जो फोर्स है ना बच्चों, अभी फोर्स यहां पर मैंने लगाया तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स कुछ यहां पर लग रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ना, ये कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग। ओके, इस एरिया के ऊपर, तो ये बनेगा फोर्स अपॉन एरिया, ये बनेगा प्रेशर, ये फोर्स अपॉन एरिया। बट स्ट्रेस क्या होगा, जैसे बोला एग्जांपल के ऊपर, वो आपके अंदर से लगता है टेंशन को रिमूव करने के लिए। अब टेंशन किसने दी है, बाहर वाली दुनिया ने दी है, एग्जाम्स पास आ गए हैं, बाहर से टेंशन आ रही है, डिफॉर्मिंग हुआ है तो वो लगातार लग रही है। अब उसको खत्म करने के लिए, स्ट्रेस से फ्री होने के लिए हम क्या करेंगे, रीस्टोरिंग। ओके, मेडिटेशन करेंगे हम आराम। तो वो क्या है, अब वो जो फोर्स होगा स्ट्रेस के लिए बच्चों, वो कौन सा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, वो बनेगा स्ट्रेस। ओके, तो अब अगर वो इलास्टिक रेंज के अंदर अंदर का है, अब वो अगर वो फोर्स जो हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं वो इलास्टिक रेंज इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर का है, जहां तक वो फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर हम लगाएं, तो अगर वो उसकी उस बॉडी की वो इलास्टिक लिमिट के अंदर तक का फोर्स है, तो बच्चों जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ना, वही रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर रहेगा। ओके, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगा
उतना ही रिस्टोर। अब इलास्टिक का मतलब क्या है, फोर्स लगाया, हटाऊंगा इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर तो बॉडी वापस उसी पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगी। ओके, शेप को चेंज किया मैंने, फोर्स लगाकर हटाया, बॉडी वापस उसी पोजीशन में फिर से आ गई। तो जितना फोर्स लगकर डीफॉर्मिंग ने वहां पर उस शेप को चेंज किया था, उतना ही रीस्टोरिंग ने लगाकर उसी को वापस बॉडी को ले आया। क्लियर? तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। अब समझ में आ गया वर्ड कि स्ट्रेस क्या है। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेस आपको क्लियर है तो स्ट्रेस की कुछ है ना हमारे पास टाइप्स होती है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली टाइप आएगी कि अब वो फोर्स मैं लगाऊंगा कैसे, मीन्स मैंने जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया है ना, अब उसको खत्म करने के लिए, बॉडी को वापस रीगेन करवाने के लिए, रीस्टोरिंग होने के लिए स्ट्रेस किस साइड को लगेगी। तो वो किस किस साइड को लगेगी, वो डिपेंड है कि हमने डीफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाया है। क्लियर? उसके ठीक ऑपोजिटली क्या लगेगी, रीस्टोरिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस होगा कैसे, कोई बॉडी है, उस बॉडी का जो सरफेस है ना उसके अगर नॉर्मल लगा गया है, अब इसके ऊपर मैंने नॉर्मली फोर्स लगाऊं, तो बच्चों इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोला, डीफॉर्मिंग इस साइड को लगा तो रीस्टोरिंग भी बाद में किस साइड को लगा, ठीक इससे ऑपोजिट, ताकि अगर ये बड़ी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा तो ये बॉडी की ये शेप है अभी यहां से ऐसे हो जाएगी। अगर मान लो ये थी शेप ऊपर वाली, फोर्स लगा तो यहां से मान लो ऐसी हो गई, हटाया इसको तो ये वाले पार्ट फिर से ऊपर चला जाएगा यहां से ऊपर को, तो रीस्टोरिंग किस साइड को, इससे ऑपोजिट दी हुई। तो इस टाइप की स्ट्रेस जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो, उस सरफेस से परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, तो वो टाइप की स्ट्रेस होती है नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? तो पहली टाइप की स्ट्रेस है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है ना वो क्या करेगी, देखो जल्दी से बोलो, इसी की शेप को बोलू मैं, इसके ऊपर फोर्स इस साइड को लगा, लगाया गया इसके ऊपर फोर्स, तो ये जो फोर्स लगा, अब ये मान लो नीचे वाला सॉलिड पार्ट है, ओके, इसके ऊपर ये बॉडी रखी है, डीफॉर्मिंग इस साइड को तो रीस्टोरिंग होगी इस साइड को यहां से ऊपर की ओर, ओके, डीफॉर्मिंग इस साइड को लग रहा है यहां से भी, ये अभी ये नीचे वाला फोर्स है, ये जो नीचे वाला सरफेस है ये भी इसको क्या प्रोवाइड करेगा, रिएक्शन देगा, तभी ये बॉडी जो है वो नीचे को नहीं जाएगी सारी की सारी, क्योंकि यहां से क्या लग रहा है, इसका जो एक्शन है उसका रिएक्शन यहां से आ रहा है, तो यहां से डीफॉर्मिंग फोर्स इस साइड को है, तो यहां से डीफॉर्मिंग फोर्स भी किस साइड को होगी, समझ में आ गई बात, यहां से भी डीफॉर्मिंग ऊपर को होगी, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इस साइड को जीरो, बात याद रखना, यहां से डीफॉर्मिंग इस साइड को है, इस बॉडी की शेप चेंज करनी है, नीचे ये जो हमारे पास सरफेस है ये भी नीचे से ऊपर को क्या दे रहा है, इस एक्शन का रिएक्शन, तो इस बॉडी के ऊपर दोनों ही तरफ से क्या लग रही है, दोनों ही तरफ से क्या लग रही है बच्चों, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, जितना इस यहां से इस साइड को लगा यहां से इस साइड को लगा तो नेट फोर्स जीरो हो गया। क्लियर? वन बात क्लियर है आपको, तो ये हो गया। अब इस बॉडी का जितना ये एरिया उतना ही एरिया ये है, क्लियर? अब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसके ऊपर क्या लगेगी, बाद में इसको मैं डीफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो यहां से रीस्टोरिंग इस साइड को होगी, यहां से रीस्टोरिंग इस साइड को होगी। क्लियर है? इलास्टिक लिमिट के अंदर होगी तो ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हो, अगर वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, लेंथ में क्या आ गई, मान लो ये इसकी लेंथ है, लेंथ है, इसमें क्या होगी, शेप में चेंज आ गई कि नहीं आई, आ गई, तो अब इस केस में लेंथ में आ गई चेंज, तो अगर बच्चों जी लेंथ में चेंज आ जाए तो उस टाइप की स्ट्रेस को हम बोलेंगे क्या, अब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, तो अब ये लेंथ में क्या, लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होगी ना यहां से इस साइड को, यहां से इस साइड को, तो बच्चों जो लेंथ को डिक्रीज करेगा उसे हम बोलते हैं टेंसाइल
स्ट्रेस। क्लियर, बात समझ में आ गई। सो ये कंप्रेसिव लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ये आ गई मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नॉर्मल स्ट्रेस, जी हाँ। अब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर उसकी टाइप है, वो कौन सी है? कंप्रेसिव, कि लेंथ जो है उसके साथ इस नॉर्मल स्ट्रेस के कारण लेंथ में डिक्रीज आ रही है या इंक्रीज आ रही है? डिक्रीज आई तो कंप्रेसिव, अगर इंक्रीज आ गई इसमें लिख दूं लेंथ में क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर इंक्रीज आ जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, वो लेंथ में क्या आएगी, इंक्रीज। अब इंक्रीज कैसे होगी? इस बॉडी का ये जो सरफेस है इसको मैं यहां से ऊपर की ओर खींच रहा हूं, यहां से इसके ऊपर मैं क्या करूं, इसके ऊपर मान लो कोई हुक लगा दी, उस हुक के ऊपर मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो डीफॉर्मिंग किस साइड को कर रहा हूं, ऊपर को। तो यहां से क्या होगा, ऊपर को कर रहा हूं तो ऊपर की होने की, अब नीचे को मुझे यहां से तो कुछ चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं इसको ऊपर को खींचूंगा तो यहां से भी क्या होना चाहिए, ये नीचे को रहे, ये साथ में बॉडी की पूरी पूरी ऊपर ना चली जाए। अगर बॉडी पूरी पूरी ऊपर को चलेगी तो लेंथ में चेंजेस तो आएगी नहीं। तो अगर मैं इस यहां से हुक लगाकर इसको ऊपर को खींच रहा हूं तो यहां से नीचे को हुक लगाकर कोई नीचे वाला सर्कल जैसे ये है ये नीचे को खींचता हो, तभी क्या होगा, लेंथ में क्या आएगी, इंक्रीज आएगी, आएगी ना। तो लेंथ में आ गई इंक्रीज, अब लेंथ में इंक्रीज आ गई तो एट दैट टाइम क्या होगा, अब देखो एक फोर्स यहां से ऊपर को, एक फोर्स यहां से इस साइड को, तो नेट फोर्स फिर से क्या हो गया, जीरो। तो लेंथ में आ गई इंक्रीज, अब लेंथ में इंक्रीज आ रही है तो इस टाइम इसका मतलब स्ट्रेस कौन सी है, टेंसाइल स्ट्रेस है। और इन दोनों ही केसेस में ये बच्चों कैसे लग रही है, लेंथ वाइज लग रही है, लेंथ में चेंजेस आ रही है, तो इस टाइप की स्ट्रेस को हम दोनों, इस दोनों को हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर। जिसमें लेंथ में इंक्रीज डिक्रीज है वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। फिर से बोलता हूं नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर बच्चों एक ये पार्ट हो गया, कि ये पार्ट हो गया, ओके। इन दोनों ही केसेस में लेंथ में इंक्रीज डिक्रीज आ रही है तो इस टाइप की स्ट्रेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों ही आ सकती है। एक और आएगी वो कौन सी है, अब इस वाले केस, अब जरूरी नहीं है कि लेंथ में ही चेंजेस आए। अगर मान लो मेरे पास क्या है, कोई बॉडी है जो कि स्फेरिकल शेप है, इसके ऊपर मैं सारे ही तरफ से क्या करूं, हर एक तरफ से इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, यहां से भी फोर्स, यहां से भी फोर्स, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कि उसकी हर तरफ से डीफॉर्मिंग फोर्स लगने के कारण इसकी शेप में चेंज ना आए, जस्ट इसके किस में चेंज आ जाए, वॉल्यूम में। तो फोर्स लगा तो अब कुछ ये बन गया, अब इससे वो ये बन गया नीचे वाला, फोर्स लगाया तो यहां से ऐसे चला गया नीचे को। स्फेरिकल था पहले, अब भी स्फेरिकल है, शेप में चेंज नहीं आई, किस में चेंज आई, सिर्फ वॉल्यूम में, वॉल्यूम कम हो गया। तो इस टाइप की, अब इसमें भी इस सरफेस से क्या कर लग रही है, नॉर्मल लग रहा है फोर्स, है ना, सरफेस से क्या है, नॉर्मल है हर केसेस में। तो बच्चों ये भी नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही आएगा, तो इस टाइप की हम स्ट्रेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक का मतलब क्या है, कि ये जो हर तरफ से नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जो फ्लूइड की केस में होगा, कि आप ये मान लिया जाए कैसे कि इस, ये जो फोर्स है इस, अब ये जो पूरी पूरी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर भरी गई है, जो पूरी पूरी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर यहां पर वाटर है, ओके, यहां पर क्या है, वाटर है। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा किसी भी साइड से, तो फोर्स, ये जो वाटर है, सभी तरफ से इसके ऊपर क्या करेगा, कंप्रेस लगाएगा। यहां से मैंने मान लो फोर्स लगाया, ये जो एक साइड की क्या है, इसकी एक जो साइड है ये मूवेबल है साइड, मैंने यहां से डीफॉर्मिंग की, डीफॉर्मिंग फोर्स मैंने यहां से लगाया, तो उससे क्या होगा, सारी तरफ से ही फोर्स लगेगा इस सरफेस के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, यहां से लगा दो, यहां से लगा दो, यहां से लगा दो। अब फ्लूड क्या करेगा, सभी तरफ से इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो शेप में चेंज नहीं आएगी, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगी, तो इस तरफ
इस तरह से सच केसेस को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, लेंथ में चेंजेस है, अब यहां पर वॉल्यूम में चेंज आएगा, इंक्रीज हो डिक्रीज हो डजंट मैटर, वॉल्यूम में चेंज आएगा, शेप में चेंज नहीं होगा। ओके, शेप में चेंज नहीं आएगा, समझ में आ गई। अब इसकी आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ये सभी थिंग्स आ गए। अकेला नॉर्मल तो है नहीं, दूसरा एक और भी है इसके साथ बच्चों, वो कौन सा है दूसरा, उसे हम बोलते हैं शियरिंग, एस एच ई ए आर आई एन जी, शियरिंग स्ट्रेस, जहां हम इसको क्या बोलते हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसको लिखने का मतलब क्या, पहला तो हो गया जी ये, इसके अंदर इसको पढ़ दिया, दूसरा है शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। उस केस में क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास बॉडी है ना, जैसे ये बॉडी है, ये इसके ऊपर फिक्स्ड है, इस बॉडी के ऊपर ये बॉडी फिक्स है, ए बॉडी बी के ऊपर फिक्स्ड है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा बच्चों को, कैसे लगाऊंगा, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल ही लगेगा ना, क्योंकि अगर ये तो बॉडी इसके ऊपर फिक्स जैसे भी है, इसके ऊपर मैं अगर यहां से फोर्स लगाऊं तो ये पूरी पूरी सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, जैसे अब ये है, यहां से फोर्स लगे तो यहां से भी अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता हो तो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, अब नॉर्मल वाला केस माना जाएगा कि पूरा पूरा फोर्स ऐसे लग रहा है, क्योंकि इक्वल एफ, क्या एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। अब अगर मैं यहां से लगाऊं बच्चों, यहां से फोर्स लगाऊं इस साइड को, अब यहां से रिएक्शन नहीं मिल रहा तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो सच केस में यहां से ये फिक्स्ड है, बट यहां से फोर्स नहीं लगा, तो यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ये जो एक साइड है ना इसकी बॉडी, ये किस साइड को चली जाएगी, थोड़ा सा यहां से ऐसे हो जाएगी। तो अब फोर्स लगने के कारण मान लो यहां से मैंने फोर्स लगाया तो ये ऊपर वाला पार्ट इस साइड को चला जाएगा, तो ये अब क्या हो गया, शेप ऐसी थी, अब शेप थोड़ी सी ऐसी हो गई है, ये फिक्स पार्ट होने के कारण। और क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि एफ नेट जो है ना वो जीरो नहीं हुआ है इस केस में, क्लियर। तो इस साइड का फोर्स लगना, ये पार्ट फिक्स है और ये पार्ट थोड़ी सी शेप में चेंज आ गई। अब इस केस में क्या होगा देख लो, वॉल्यूम में, वॉल्यूम और वॉल्यूम में चेंज नहीं आई, चेंज किस में आ गई, ना लेंथ में चेंज आई, चेंज किस में आई है बच्चों, इस केस में चेंज किस में आई है, शेप में चेंज है। तो जो शेप में चेंज लाई उसे हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ में आ गई बात, क्लियर है, मारो जल्दी स्क्रीनशॉट इसका। अब स्ट्रेन स्ट्रेस के बाद पढ़ना स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेन क्या होता है। देखो अकेला डीफॉर्मिंग के ऊपर मत चलो, डीफॉर्मिंग के साथ डीफॉर्मिंग क्या लगाएगा, प्रेशर लगा रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए रीस्टोरिंग किस साइड को लग रहा है उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस आएगा। आप ये इस साइड को तो रीस्टोरिंग अपनी ओर से इस साइड को लगने की कोशिश कर रहा है, बट वो इसकी शेप को चेंज नहीं करवा पाया, हो सकता है वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गया हो, तो वो शेप में चेंज नहीं आता, तो अगर परमानेंटली सेट हो गया कि ये शेप पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है, तो इसका मतलब इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लेवल का फोर्स लगा दिया गया था, बट अगर वो सेट नहीं हुआ तो इसका मतलब शेप को चेंज करने की कोशिश की गई थी, बट रीस्टोरिंग फोर्स ने वापस उसी को इस पोजीशन को फिर से ऐसे कर दिया है, तो वो टोटली देखा जाएगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है क्या वो इतना फोर्स था जो कि इलास्टिक लिमिट से ज्यादा का है या कम का है, देखना ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स किस साइड को लग रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, डिफॉर्मिंग के ऊपर। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही स्ट्रेस आएगा, तो वो स्ट्रेस कैसी कैसी लग रही है, इसमें नॉर्मली लगेगी, इस वाले केस में टेंजेंशियली, अगर रियल लगा तो टेंजेंशियली वो लगेगी, तो इसलिए उस स्ट्रेस को क्या बोल दिया गया, शियरिंग स्ट्रेस, क्लियर। अब नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेन, अब स्ट्रेन क्या होगा देखो, अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपने फोर्स लगा दिया तो वो जो फोर्स है ना वो अगर लिमिट से ज्यादा लग गया, किसकी लिमिट से, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा का फोर्स हो जाए, कौन सा, डिफॉर्मिंग फोर्स।
इलास्टिक किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो बच्चों एक बॉडी की शेप में क्या रहेगी, परमानेंटली शेप या उसकी वॉल्यूम या उसकी लेंथ में क्या होगा, एक परमानेंटली चेंज जो है वो सेट हो जाएगी। तो अगर वो चेंज सेट हो गई ना तो वो आपको क्लियर है। तो स्ट्रेन वाले केस में हम क्या बोलेंगे, इस वाले केस में ऊपर क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन जो है लेंथ है तो लेंथ है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है, शेप है तो शेप है, ये रहेगी। ओके तो इसका मतलब इसका नो यूनिट होता है, यूनिट नहीं है क्योंकि सेम टाइप की क्या है, अपर और लोअर लिमिट में, अपर और ऊपर और नीचे दोनों केसेस में सेम यूनिट लिखा गया तो नो यूनिट आएगा। तो अगर तो चेंज आ गई तो वो हम लिखेंगे यहां पर अपॉन पहले चेंज, पहली डिमेंशन क्या थी अब चेंज होकर क्या आ गई तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन। क्लियर हो गई बात कि इतनी चीज के ऊपर अब इतनी आ गई तो दोनों की रेशियो लिख दो तो वो बनती है स्ट्रेन। क्लियर बात समझ में आ गई, तो वो परमानेंटली सेट हो जाएगी। तो इस रेशियो को याद रखो आप, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। क्लियर, देखते हैं कैसे कैसे होगा। स्ट्रेन को आप पढ़ लिया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अगर लेंथ है तो लेंथ है तो इसका मतलब इसका नो यूनिट है। क्लियर होगी स्ट्रेन क्या है। अब स्ट्रेन की टाइप्स आएंगी आपके पास, टाइप्स कौन सी है, जैसे ये थी वैसे इस टाइप इसकी है। तो सबसे पहली टाइप कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले आएगी हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन, ओके, जहां इसको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके सो सबसे पहले हमारे पास आएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, फोर्स लगाया गया था, वो फोर्स क्या करेगा, लेंथ में चेंज लाएगा, लाएगा। और अगर बच्चों लेंथ में चेंज आ गई तो ऊपर क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर हम जो बोलेंगे वो हमें क्लियर है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, जैसे ये केस है इसी केस को हम पढ़ेंगे इन दोनों के लिए, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मीन्स लेंथ में चेंज आई, वॉल्यूम में चेंज आई या शेप में चेंज आई। कॉन्फिगरेशन लिख लो पहले आप कि कॉन्फिगरेशन कौन कौन सी है, कॉन्फिगरेशन कौन कौन सी है, एक है लेंथ वाली, एक है वॉल्यूम वाली और तीसरी है मेरे पास शेप वाली। तो लेंथ वाले केस में ये रहा, वॉल्यूम वाले केस में ये रहा, शेप वाले केस में ये था, तो उसी को पढ़ना है बस। ओके तो लेंथ वाले केस के लिए क्या था, उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वो क्या बोलेंगे हम, चेंज इन स्ट्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये था स्प्रिंग, इसकी है ओरिजिनल लेंथ, ये फोर्स लगाया तो ये बच्चों यहां से कहां तक चला गया, इसके ऊपर मैंने यहां से फोर्स लगा रहा हूं इस साइड को, तो इसकी शेप चेंज हो गई। तो अब पहले इतनी लेंथ थी, अब कितनी हो गई लेंथ, इतनी हो गई, ये L1 है अब L2 हो गई फोर्स लगाने के कारण। तो अब अगर ये फोर्स इसके ऊपर जो लगाया गया था डिफॉर्मिंग फोर्स, वो इलास्टिक लिमिट से इससे ज्यादा था, अगर ज्यादा था तो इसका मतलब क्या होगा, जब इससे मैं फोर्स को हटा दिया जाएगा, जैसे अब इस फोर्स को मैंने यहां से अगर हटा दिया, जैसे ये भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा था तो लेंथ इतनी थी पहले, इसके ऊपर मैंने ये जो बॉक्स था ये फोर्स लगाया, बाद में उस बॉक्स को मैंने हटा दिया, तो ये यहां से अब पहले यहां था इतना फोर्स लगाया, इसको मैंने हटा दिया तो बाद में क्या होगा, ये यहां तक हो गया, ये आ गया L3। ये L1 कैसे था, जब वेट नहीं था, L2 था जब वेट हमारे पास था, L3 क्या है, जब वेट नहीं है। बट L3 वाले केस, ये L3 वाला लेंथ कब आई हमारे पास, जब ये जो हमारे पास लेंथ है ना L3, ये कब केस आई, जब ये जो वेट था ना ये वाला,
ये वेट या ये वेट मीन्स फोर्स, ये जो फोर्स है ये इलास्टिक लिमिट से ज्यादा था। ओके अब इलास्टिक लिमिट से यहां पर जो फोर्स था वो ज्यादा था, तो इसको जब मैंने हटाया तो स्प्रिंग की पैरेलल कितनी थी, अब कितनी होगी, इतनी हो गई। ओके यहां से इतनी हो गई, इतनी मान लो, तो इतनी होने का कारण पहले इतनी लेंथ थी, अब लेंथ हो गई इतनी। ओके तो इसका मतलब कितनी लेंथ ज्यादा आ गई, इतनी लेंथ क्या हो गई ज्यादा, तो एल थ्री माइनस एल वन क्या होगा डेल्टा एल। तो चेंज कितनी लेंथ में आई वो लिखेंगे हम ऊपर, अपॉन ओरिजिनल लेंथ वो क्या थी एल वन, वो लिखेंगे यहां पर। क्लियर, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों दूसरी जो है वो है, लॉन्गिट्यूडनल के बाद आएगी सेकंड केस जो है, इसके सेकंड टाइप जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे बोलेंगे, वॉल्यूम में चेंज आया। क्लियर, वॉल्यूम में चेंज आया। अब अगर वॉल्यूम में चेंज कैसे होगा, जैसे ये हाइड्रोलिक वाला केस था, सभी तरफ से फोर्स लग रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, के पहले वॉल्यूम क्या था अब वॉल्यूम क्या हुआ, दोनों को माइनस करो, ऊपर रखो वो और नीचे कौन सा होगा जो पहले वॉल्यूम था। क्लियर, और तीसरा जो मेरे पास होगा ना बच्चों वो होगा शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब वो कौन सी होगी जी, वो बोल दो जल्दी से आप, कि अब लेंथ में और सॉरी शेप में चेंज आए, तो इस केस में वॉल्यूम में लेंथ में चेंज था, इसमें वॉल्यूम में चेंज और इसमें शेप में चेंज आएगी, शेप में चेंज आएगी, तो उसको क्या बोलूंगा, अब उसको लिखना तो पड़ेगा कि शेप में चेंज कैसे आ रही है। तो पहले ये थी कॉन्फ़िगरेशन, देखो कैसे लिखूंगा कैसे इसको मैं, पहले ये था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो इस साइड को होगा, मीन्स ये वाली चीज इस साइड को चली गई, तो ये एंगल में चेंज आ गई, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अभी, एल थीटा, इसको मैं लिखूंगा शेयरिंग स्ट्रेन को थीटे के साथ, कि थीटा चेंज आ चुकी है अब मेरे पास। ओके तो थीटा क्या होगा, देखो ये थीटा है, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो अब पहले ये रही उसकी लेंथ, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये लेंथ अब यहां से चली गई है इस साइड को, यहां से चली गई इस साइड को, तो थीटा आ गया हमारे पास। अब थीटा क्या है, अब देखो जितना मर्जी फोर्स लगा हो ये थीटा बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा सा ही वो जो बॉडी होगी क्योंकि वो रिजिड भी है, फोर्स लगा तो वो थोड़ी सी इस साइड को चलेगी, तो इसका मतलब एंगल कौन सा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा, बहुत कम होगा। साइन को साइन थीटा और कॉस थीटा जो भी होंगे ना बच्चों, इसको हम थीटा चाहे ये थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, इसको हम कभी भी थीटा या कॉस थीटा कभी थीटा नहीं लिख सकते, अकेला हमारे पास एक टैन ही तो है, जिसका अगर एंगल थोड़ा हो मींस टैन थीटा हो तो उसको हम थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो जैसे ही इसके ऊपर मैंने यहां से फोर्स लगाया था तो ये बॉडी यहां से इस साइड को चली गई, तो ये जो उसका स्लोप आया ना, ये जो स्लोप बना है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, थीटा के, तो ये स्लोप बहुत कम होगा क्योंकि बॉडी भी रिजिड है, शेप में चेंज आएगी जरूर बट बहुत कम होगी। ओके तो अब क्या होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, टैन थीटा, तो टैन थीटा का मैं सिंपल थीटा ही लिखूंगा, तो वो क्या होगा, टैन के लिए कितनी शेप में चेंज आ गई, डेल्टा एल। अब इसके लिए लिखो, ध्यान से रखना, इसको लिखूंगा डेल्टा एल अपॉन क्या होगा, ये रही लेंथ, क्योंकि टैन किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा, ये चीज होगी किसके बराबर, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन के। याद रखो ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, इसमें जो लेंथ में चेंज आई थी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो बात कोई और थी, यहां पर क्या है कि शेप कितने एंगल से चेंज होगी, वो मुझे एंगल चाहिए, तो वो एंगल कैसे आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल लगा दो यार, सिंपल टैन लगाओ, तो टैन थीटा वो देगा मुझे पर्टिकुलर वैल्यू, तो टैन थीटा एंगल बहुत छोटा है, तो टैन थीटा को मैं सिंपल थीटा लिख सकता हूं, वो क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल।
तो ये रही शीयरिंग स्ट्रेन, याद रखना इस बात को भी। तो स्ट्रेस भी पढ़ लिया, स्ट्रेन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके बाद आएगा ना बच्चों, हुक्स लाएगा और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आएंगे, उसको हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीनशॉट इजीली इसका लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि यही जो थिंग्स है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन लगातार चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आराम से पढ़ना, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और लाइफ को क्या करना है एंजॉय। बाय बाय, ख्याल रखो अपना बच्चों।